study of endocrine glands. ठीक है, this system consist of those glands which do not possess ducts are called as endocrine glands. Duct less होती हैं, endocrine glands इस study को कहते हैं endocrinology. ये क्या है? डक्टलेस. डक्टलेस मतलब कि इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते. डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स. इनको क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या बोल सकते हैं? डक्टलेस. जैसे कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं उनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है और वो एंजाइम रिलीज करती है थ्रू डक्ट्स इन सम ऑर्गन्स. ठीक है, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इनके अंदर डक्ट्स नहीं प्रेजेंट होती. ये क्या करती हैं, साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने के लिए क्या कहाँ पर ये सिक्रीट होती हैं? इन टू ब्लड. ब्लड क्या है? इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये क्या करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है जो हार्मोन को सिक्रीट करती हैं वो कहाँ करती हैं? ब्लड में. और ब्लड से ये क्या करते हैं? बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये अदर जो सिस्टम्स हैं उनके कंपैरिजन में स्लो एक्टिंग होता है. स्लो मतलब कि स्लो होता है एक्टिंग एज कंपेयर टू अदर. एंड द सेक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एज हार्मोन्स. जो सेक्रीशंस होती हैं हार्मोन्स इनको कहते हैं हार्मोन्स. और ये स्मॉल क्वांटिटी में नीडेड होते हैं. ये स्मॉल क्वांटिटी में नीडेड होते हैं. नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी. और क्योंकि इनका जो मीडियम है वो ब्लड है ट्रांसपोर्ट का, तो क्या करते हैं ये ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंच जाते हैं. दे रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ body, every part of body, हर एक organ तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, और जो इनका work है क्या होता है? The hormones are antagonistic to each other. The hormones are antagonistic to each other. इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब है? कोई एक्साइटरी हार्मोन है तो कोई इनहिबिटरी. सम आर एक्साइटरी हार्मोन, सम आर इनहिबिटरी. अगर कोई एक हार्मोन जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी की उसको स्टार्ट करता है तो दूसरा उसको स्टॉप करता है. यही क्या मतलब होता है? एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, मतलब अपोजिट एक्ट करती है. ठीक है, वैसे तो यहाँ हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं ग्लैंड्स के द्वारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, लेकिन इनमें से मेन कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, बिटरी हार्मोन, सेक्स हार्मोन. ये क्या होते हैं? कॉमन जो हार्मोन है. ठीक है,
हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के ये हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स और इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी हार्मोन्स की, ये क्या होते हैं सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड्स। सेकंड ये क्या हो सकते हैं नेचर में प्रोटीन अमीनो एसिड स्टीरॉइड स्मॉल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ये क्या ये नेचर में हो सकते हैं केमिकल ऑर्गेनिक जो होते हैं ये होते हैं प्रोटीन अमीनो एसिड स्टीरॉइड स्मॉल कॉम्प्लेक्स। और थर्ड ये जहां पर सिक्रेट होते हैं उनको जो एक्शन है उनका एक टारगेट एरिया होता है वहां पर ये एक्शन करते हैं टारगेट एरिया रिलीज हो गए ग्लैंड से, ग्लैंड से रिलीज हो गई सिक्रेट हो गई ये एक टारगेट एरिया पर पहुंच जाते हैं वहां पर अपना मोड ऑफ एक्शन शो करते हैं। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं स्मॉल क्वांटिटी। सो अब स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं बट जब फियर एंगर या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो वहां पर ये इमीडिएटली सीक्रेट होते हैं और लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, ठीक है ये थी कुछ इसकी हार्मोन्स की प्रॉपर्टीज। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स कितने टाइप होती है ह्यूमन बॉडी में, टू टाइप्स एक्सोक्राइन पैनक्रियास क्या है एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें दोनों टाइप्स की ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी, ठीक है। और क्या होता है कि ये एक्सोक्राइन जो है ये इंसुलिन को सिक्रेट करती है, नहीं एंडोक्राइन जो है इंसुलिन को सिक्रेट करती है पैनक्रियास। और जो एक्सोक्राइन है ये डाइजेस्टिव जो एंजाइम है
जैसे कई एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वैसे ही इंसुलिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है प्रो इंसुलिन। ये क्या है? एंजाइम्स का हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक पॉइंट है कि कई हार्मोन्स जो है वो एंजाइम्स के सिमिलर होते हैं। फर्स्ट इज सर्कुलेटरी हार्मोन, सेकेंड इज ठीक है। सर्कुलेटरी का क्या मतलब होता है? मोस्ट एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो सर्कुलेटरी हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, जो क्या करते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड से डिफ्यूज हो जाते हैं इन ब्लड कैपिलरीज एंड देन इनटू ऑर्गन्स। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो ग्लैंड्स हैं हार्मोन को रिलीज किया, सिक्रेट किया, ये इंटरस्टीशियल फ्लूड से ब्लड कैपिलरीज में एंटर होगी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे। लोकल हॉर्मोन्स क्या होंगे, जो के जैसे ग्लैंड ने हॉर्मोन्स क्रिएट किया वो अपनी नेबरिंग सेल या जिस सेल ने या ग्लैंड ने वो सिक्रीट किया है उसी के ऊपर, ठीक है, सेम सेल पर एक्शन करेगी, सेम सेल पर एक्शन करेगी, उसको कहेंगे हम लोकल एंड ये सर्कुलेटरी। ठीक है, लोकल दैट एक्ट ऑन नेबरिंग सेल आर कॉल्ड पैराक्राइन्स,
ये क्या हुए हॉर्मोन्स क्रिएट हुए टारगेटेड एरिया और ये क्या टारगेट सेल्स ब्लड कैपिलरी ये ब्लड ब्लड से एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होकर हार्मोन्स ब्लड कैपिलरीज के थ्रू टारगेट एरिया तक पहुंच के और यहाँ पर अपना एक्शन शो करेंगे कि ये क्या है पैराक्राइन ऑटोक्राइन में क्या होगा जो ये हार्मोन्स है यहां से ये क्या है नेबरिंग सेल यहां से हार्मोन्स जाकर यहां पर टारगेट करेंगे ये कौन सा हो गया पैराक्राइन पहले वाला कौन सा था सर्कुलेटरी ये है पैराक्राइन और अगर हार्मोन रिएक्ट करें सेम सेल पर यहां से रिलीज हुए हार्मोन इसी सेल पर रिसेप्टर प्रेजेंट है टारगेट एरिया प्रेजेंट है उसी के ऊपर मोड ऑफ एक्शन शो करे ठीक है सेम सेल पर एक्शन शो करे उसको क्या कहेंगे ऑटोक्राइन ग्लैंड्स ये पैराक्राइन का ऑटोक्राइन ग्लैंड्स इनको बोलेंगे ये लोकल ग्लैंड्स का एग्जांपल है लोकल अब हम अगली क्लासिफिकेशन देखते हैं केमिकली डिवाइड इनटू टू The hormone which soluble in lipids are called as lipid soluble. जो हार्मोन लिपिड में those which can soluble in lipids. Those hormone soluble in water. Those which can soluble in water are called as water soluble. जो water में soluble हो जाएंगे वो water soluble and जो lipid में soluble हो जाएंगे वो उसको lipid soluble है. इनका example है steroids. क्या example है steroids जो है lipid soluble है. इसका example है amine
hormones secreted in our body by endocrine gland, but some of them are कौन-कौन से होंगे? Thyroid, parathyroid, adrenal, वैसे तो बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ये मेन जो ग्लैंड्स हैं प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और हमारे सिलेबस में पिट्यूटरी, एड्रेनल, थायराइड, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डिटेल, ठीक है, डिटेल में हम ये डिस्कस करेंगे। जो मोड ऑफ एक्शन होता है हॉर्मोन्स का, कैसे होता है मोड ऑफ एक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने हार्मोन को सीक्रेट किया, ये क्या करें, ये सीक्रेट किया कहां पर, इंटरस्टीशियल फ्लूइड, इन इंटरस्टीशियल फ्लूइड में हार्मोन को सीक्रेट किया। इस इंटरस्टीशियल फ्लूइड से जो हार्मोन है वो कहां पर, ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाएगा, और ब्लड से ये हर एक ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। ये क्या है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स विच आर मेंशन इन आवर सिलेबस। कल हम करेंगे थायराइड प्लस एड्रीनल ग्लैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।